पल धन पड़ा, क्योंकि गोसाई बाबा कहते हैं ओ हो न अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाई मदन। जिसने प्रभुता को पाया हो और उसमें अहंकार ना आया हो ऐसा तो संसार में कोई जन्म ही नहीं, उस पर तो भगवान की डबल कृपा है। जिसके पास धन बढ़े और उसका मन भगवान की ओर झुके तो समझ लो उस पर भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है। बंधुओं आया है नगर में, अब तो ऐलान करा दिया आज के बाद कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। जिसको भी हवन करना है वो कहेगा हेना कश्यपाय स्वाहा, माला जपना है तो जपो हेना कश्यपाय नमः। अब तो जिस समय देव मंदिरों को तोड़ा जाने लगा है, ब्राह्मणों को मारा जाने लगा है, ब्राह्मण शब्द जब परेशान किए जाने लगे हैं, सब भागने लगे हैं, रो रो कर प्रभु से पुकार करने लगे हैं, प्रभु दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी है। Yeah.
उस पानी से पूछ सकती है, लेकिन पानी भगवान का महान भक्त बन रहा है।
और नारद मैया कयाधु को आश्रम में ले जाकर छोड़ के आए हैं, और आश्रम में ही कयाधु ने भगवान की कथाओं का श्रवण किया है। तो इसलिए जो गर्भस्थ शिशु है उसमें भगवान का भजन पहले से ही प्रवेश कर गया है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल तो टीवी देखो करते हैं, तो लड़का बच्चा पैदा होते ही घंटा आंसर पैदा होने लगे। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता आजकल महाराज जी, छोटे छोटे से बच्चे नाचने लगते। क्यों? क्योंकि जिस समय बच्चा गर्भ में था तब माता जी देखती रही टीवी, और उसमें डांस होता रहा, बढ़िया बढ़िया गाते रहे, तो गाना बजाना देखा तो कैसे भैया पैदा रहे। बोलो राजे, अगर तुमने भगवान की कथा सुनी होती, भगवान के चरित्रों का श्रवण किया होता, सुंदर सुंदर भगवान के चित्र देखे होते, तो भगवान के भक्त पैदा होते। और गोसाई बाबा कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जो भगवान का भक्त जिसके माँ गर्भ से पैदा हो जाता है, वो समझ लो माँ प्रभागी हो जाता है। नहीं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चांडाल वच करवत ते नदीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भर। उसने तो संसार में आकर खाम मामा को कष्ट दिया, जिसने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की कथा श्रवण नहीं की। जिस समय बंधुओं प्रहलाद भैया का जन्म हुआ है, अब तो प्रहलाद भैया थोड़े बड़े होने लगे, जब थोड़े बड़े हुए तो हेमकश्यपों ने पढ़ने के लिए भेजा है, कहा इनके गुरु है जिनका नाम है चंडा अमर कृष्ण, उनके आश्रम में भेजा है पढ़ने के लिए। जिस समय पढ़ने गए हैं प्रहलाद भैया, तो बात क्या पढ़ाया जा रहा है, बात तो आसुरी नीति सिखाई जा रही है, आसुरी विद्या पढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके अंदर तो भगवान का भजन।